प्रिय बंधुओं, आज आपके समक्ष में लग्नों की श्रृंखला में धनु लग्न का परिचय दे रहा हूँ। धनु लग्न राशियों की श्रृंखला में नौवीं लग्न है। यह खुली जंघा का प्रतिनिधित्व करने वाली लग्न है। इसका स्थान जंघा पर है। धनु लग्न का स्वामी गुरु होता है और धनु का मतलब है धनुष। एक धनुर्धारी व्यक्ति, आधार शरीर उसका धड़ भाग ये पशु का है और ऊपर का भाग एक पुरुष का है, तो धनुष को ऐसे टंकार लिए हुए बिल्कुल ऐसा बैठा हुआ है, ये धनु का स्वरूप है। तो उस व्यक्ति का जो धनु लग्न वाले व्यक्ति हैं, उनकी आँखें भुएँ तनी हुई रहेंगी, एक भ्रुकुटी उनकी तनी हुई रहती है और एकदम क्रोधी स्वभाव के होते हैं। एकदम भ्रुकुटी जब किसी को और अनुसंधान करके बैठा हुआ है धनुधारी ऐसा व्यक्ति, और आधा धड़ उसका पशु का होता है, तो उसका जो है ये स्वरूप जो है उसके हिसाब से इसकी भ्रुकुटी तनी हुई है, पतले ओंट रहेंगे और इस प्रकार से उसको क्रोध की मुद्रा इसको हमेशा दिखती रहेगी, ये उसका स्वरूप रहेगा। अच्छा, शरीर से ये धड़ भाग जो है ये जबड़ा थोड़ा बड़ा होता है, ये उसका स्वरूप है। इसका स्वामी है गुरु। गुरु ज्ञान का भंडार है, आध्यात्मिक शक्ति का प्रेरक है। तो ज्ञान और आध्यात्मिक दोनों कार्यों में ये व्यक्ति प्रवृत्त रहेगा। ज्ञान का भंडार, उसके कैचिंग पावर बहुत तगड़ा रहेगा। कोई भी चीज़ को सीखने में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एकदम एक बार देख लिया किसी चीज़ को तो एकदम तत्काल वो समझ लेता है। लेकिन उसमें एक कमी रहती है, एक तो ज्ञान का अहम भाव उसको ज़्यादा रहता है, गुस्सा रहेगी, अहम भाव रह गए, ये दोनों कमजोरी धनु लग्न वालों को होती है। तीसरा ये है कि जितना ज्ञान इनको होता है उस प्रभाव से ये धन नहीं कमाते। धन की हमेशा इनको चिंता बनी ही रहती है, कितना बड़ा अधिकारी हो जाए, कितना भाई कुछ हो जाए, लेकिन ज्ञान प्रमाण से धन इनको प्राप्त नहीं होता, धन की हमेशा चिंता करने वाले होते हैं। धनु लग्न एक स्वाभिमान अहंकार की लग्न है, क्योंकि गुरु ज्ञान जहाँ होता है वहाँ अहम भाव प्रतीत होने लगता है। और धनु लग्न में जब ग्रह बैठते हैं तो उसका प्रभाव कुछ दूसरा होता है। स्वरूप तो ज्यों का त्यों रहता है, स्वभाव गुण दोष इनका शरीर का जो रंग होता है गौर वर्ण का होता है, क्यों गुरु लग्न का स्वामी होने से गौर वर्ण रहेंगे। शरीर ज़्यादा मोटा नहीं होता, दुबला पतला भी नहीं होता, मतलब थोड़ा सा मोटापे से कम रहता है, दुबले से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है इनके शरीर की आकृति। ये द्वि स्वभाव की लग्न है। द्वि स्वभाव की लग्न का मतलब होता है कोई भी कार्य कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, चलायमान भी हो सकते हैं, स्थिर भी रह सकते हैं। कोई बैठने का काम हो वो भी कर सकते हैं, चलायमान होने का कोई काम है जाने आने का वो भी कर सकते हैं, दोनों में कोई आलस नहीं। ये अग्नि तत्व की लग्न है। अग्नि तत्व की लग्न होने से ये गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, गुस्सा करने वाले होते हैं, जल से भयभीत रहते हैं, जलाशय में ज़्यादा जल से उनको कोई, क्योंकि अग्नि तत्व की लग्न वाले जल से जल की कम ही खर्च करने वाले होते हैं। ये अग्नि का स्वभाव होता है, अग्निपुज्जा। इनके शरीर में स्थायी रूप से गर्माहट बनी ही रहती है, यानी ठंड हो तो भी गर्म रहेंगे और गर्मी हो तो गर्म रहेंगे ही, इनके शरीर के अंदर ये विशेषता रहती है। धनु लग्न तत्व के हिसाब से अग्नि तत्व हो गई। अच्छा, अब धनु लग्न में बैठने वाले ग्रहों का प्रभाव दिखाते हैं। धनु लग्न में जब सूर्य बैठता है
तो सूर्य भाग्य होकर के बैठता है, मित्र क्षेत्री होकर बैठता है। इसलिए धनु लग्न में सूर्य जो है बैठने के पश्चात क्या करता है, एकदम उसके सिर के बाल जल्दी खत्म हो जाते, खलवाट हो जाता है और भाग्यशाली बनाता है और शासन पक्ष की नौकरी में ये सहायक बनता है, गवर्नमेंट के अधिकारी युक्त बनने का योग भी इसको बनता है। धनु लग्न में जब चंद्रमा बैठता है तो चंद्रमा जब बैठता है तो इसका मन में एक उदासीनता बनी रहना, मन में एकदम अशांति सी बनी रहना एक प्रकृति के अंदर रहेगा और ये यात्राएं ज़्यादा करने वाला होता है, बनाता है। धनु लग्न में जब मंगल बैठता है तो मंगल बैठने के कारण इसका जो धनु लग्न का जो मंगल है वो मंगल जो है इसको खर्चीला बनाता है, क्यों व्यय का स्वामी होता है और इसको रोगिष्ट भी बनाता है। लेकिन मित्र क्षेत्री लग्न होने के कारण ये अपने आप में जो है सो कर्मठ क्रियाशील बनाते हुए धन कमाने वाला होता है। धनु लग्न में जब बुध बैठता है तो शत्रु क्षेत्री होने के कारण इसको जो है सो विशेष करके माता के सुख में कुछ कमी कराने वाला होता है, माता से कुछ विरोधात्मक रूप भी बनाने वाला होता है। धनु लग्न में जब गुरु बैठता है तो महान आध्यात्मिक और उसको एक महान योग हंस योग बनाता है। हंस योग में जन्म होने के कारण हंस योग में उसको यशस्वी कीर्तिमान और अनेक प्रकार की संपदाओं से युक्त योग और ज्ञान विज्ञान से संपन्न अनेक प्रकार से जैसो प्रतिष्ठा युक्त जीवन बनाने वाला एक अधिकार युक्त पद का रहने वाला बनाता है। धनु लग्न में जब शुक्र बैठता है तो इसको पत्नी से थोड़ा सा विवादास्पद बनाता है ये और इसको यात्राएं ज़्यादा कराने वाला होता है। धनु लग्न में जब शनि बैठता है तो इसके जो है सो विशेष रूप से लाभान्वित, बड़े भाई से ये लाभान्वित होता है, बड़े भाई से इसके मधुर संबंध होते हैं और पिता से भी मधुर संबंध होते हैं, अनेक प्रकार से कर्म क्षेत्रों में एक प्रवृत्त होता है, लाभान्वित कराने वाला होता है। धनु लग्न में जब राहु बैठता है तो ये झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, भयभीत अज्ञात भय से प्रेरित रहता है। धनु लग्न में जब केतु बैठता है तो मान प्रतिष्ठा धन से संपन्न होकर के और यशस्वी बनाता है और उसका नामधारी होने का योग बनता है, राजनीति में भी निपुण बनाता है। इस प्रकार से धनु लग्न के 9 ग्रहों का मैंने वर्णन किया, धनु लग्न का स्वभाव एवं स्वरूप का मैंने वर्णन किया। अब आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि मेरे इस चैनल में आप जो बैठे हैं, दर्शक हैं, देख रहे हैं, तो आप जो है सो इसमें यश का प्रभाव डालें और इसको विस्तारित करने का कृपा करें। जिन लोगों को जन्म कुंडली के संबंध में जानकारी करना है तो मेरा मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। हरिओम तत्सत। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।